नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इटिनाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। सबसे पहले बता दें आपको क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। 20% के अपर सर्किट पर जाकर डिश टीवी बंद हुआ है। खबरें हैं जवाहर गोयल साहब यहां पर इस्तीफा देने वाले हैं अपनी पोजीशन से। अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए आपको, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। अगस्त के ऑटो बिक्री आंकड़े फोकस में थे, आज एक तारीख है इसकी वजह से। अब इन आंकड़ों के बाद स्टॉक्स में क्या करना चाहिए ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी शो में होंगे शामिल। और वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज हमने देखा कुछ कमजोरी दिखाई दी। निफ्टी करीब 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 17,542 पर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 750 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ जाकर बंद हुआ। आईटी, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, इन शेयरों में हमने सबसे ज्यादा कमजोरी देखी आज दिन भर। और किस तरह की हलचल रही बता रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उपरानंद। देखिए आज बाजार में आपको क्लियरली बहुत पहले एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही जब आपको गैप डाउन देखने को मिला तो बाजार लगभग 450 के आसपास एडजस्टेड एसएक्स निफ्टी आपको नीचे दिखा रहा था, लेकिन वो एक स्मार्ट रिकवरी में सब रिकवर हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। लगभग इनिशियल 1-1.5 घंटे में ही आपने बैंक निफ्टी को देखा, वो लगभग 700-750 की एब्जॉर्प्शन हुई वहाँ, जो नीचे की तरफ जो बाजार खुले थे। निफ्टी में भी लगभग 250 रिकवर हुए। रिकवरी मोड बहुत शार्प और फास्ट था मॉर्निंग फर्स्ट 1-1.5 आवर में, लेकिन उसके बाद वो कवर जो पॉइंट्स थे वो इरोड भी हुए, यानी जो गेन्स हुए थे वो इरोड भी हुए। दोनों तरह के मौके मिले, शॉर्ट साइड के ट्रेडर्स को भी और बुल ट्रेडर्स को भी, बुलिश ट्रेडर्स को भी। तो बियर्स एंड बुल के बीच में एक अच्छी खासी टसल आपको दिखाई दी, लेकिन सेक्टर्स जो निकल कर आज आए जिन बाजार में जो क्लियरली लीड कर रहे थे रिकवरी को, बैंक्स, ऑटो टू सम एक्सटेंट सीमेंट और कई सारे रियल एस्टेट पैक, ये सारे कुछ सेक्टर्स थे जिनमें अच्छी तेजी देखने को मिली, जिनमें अच्छी परफॉर्मेंस थी। और जो वीकर सेक्टर थे आपको जो मोर लाइक आईटी हुआ, यहाँ पर मेटल हुआ, ये थोड़े से लगाज देखने को मिले। तो फ्रंट फुट पे आकर ये सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने बाजार को संभाला, रिकवरी मोड दी। निफ्टी के अगर आप पहले 5 काउंटर्स की बात करें जो गेनर्स थे, उसमें बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स थे। सो सीमेंट का प्ले आपको क्लियरली दिखाई दिया, ऑटो स्टॉक्स आपको क्लियरली दिखाई दिया, ऑटो सेल्स नंबर्स जो एक बड़ा ट्रिगर था। उसके अलावा आपको ब्रेंट क्रूड की सॉफ्टनेस के चलते पेंट स्टॉक्स एक्शन में दिखाई दिए, और इसी तरह के कुछ आपको विपरीत अगर उन स्टॉक्स में ब्रेंट की बढ़ने के चलते ऑयल प्रोड्यूसर, ऑयल रिफाइनर्स, वहां पर डेंट देखने को मिला। मेटल कमजोर था, आईटी कमजोर था, और साथ ही किस तरह से भी कुछ सिर्फ सिलेक्टिव एफएमसीजी चले, नहीं तो अदरवाइज एफएमसीजी और डिफेंसिव स्टॉक्स भी आज थोड़े से बैकफुट पे आपको दिखाई दे, जैसे कि फार्मा और एफएमसीजी। एफएनओ स्पेस में आज कैसी पोजिशनिंग थी, रियल एस्टेट स्पेस से आपको क्लियरली यहां पर गेनर्स देखने को मिले। जीएमआर इंफ्रा टॉप काउंटर था जो जिसने गेन किया। ऑटो नंबर्स पे कमर्शियल व्हीकल का ट्रिगर अशोक ललन, वहां तेजी देखने को मिली। केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्पेस में आपको एसआरएफ जैसे काउंटर्स में लगभग 5% की मूव देखने को मिली। यहां पर मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी कॉनकॉल में, उन्होंने कैपेक्स की बात की जिसके बाद से स्टॉक में अप मूव है। कुछ स्टॉक्स आपके इंडियन होटल जहां एमएसआई के फ्लोज भी बढ़े हैं वो एक ट्रिगर दिखा। कैपिटल गुड स्पेस लाइक कमिंस सीमेंट्स, यहां पर आपको मूवमेंट दिखी। बजाज फिनसर्व स्ट्रॉन्ग आज रहा, और साथ ही गुजरात गैस जैसे काउंटर्स देखने को मिले जिनमें की ओवरसोल्ड जोन से निकलकर रिकवरी मोड पे ये स्टॉक्स प्ले आउट होते हुए क्लियरली दिखाई दिए। सो मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग आपको बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिली, मैक्सिमम एडवांसेस आपको ऑटो स्पेस से देखने को मिले, और मैक्सिमम डिक्लाइंस आपको टेक्नोलॉजी स्पेस से देखने को मिले। चलिए 17,500 के ऊपर तो जरूर बाजार बंद हुआ है, लेकिन गिरावट का दौर ही आज पूरे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। मेरे दो खास मेहमान मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं, देवांग शाह और रवि सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवांग, आपसे करना चाहूंगा शुरुआत, आपने क्या रीड किया आज? निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद बाजार जब अपने हाईज की तरफ बढ़ रहा था, आज डेज हाईज की तरफ, वहां से फिर दबाव देखने को मिल रहा, जिस टसल की बात यहाँ प्रियंका भी कर रही थी, आपने भी नोटिस किया, क्या लगता है अगली चाल हो सकती है बाजार की यहाँ से? डेफिनेटली हमने पास्ट फ्यू डेज में देखा है काफी वॉलेटाइल रहा है मार्केट। हमने देखा रेजिस्टेंस के पास आगे करेक्शन आता है, सपोर्ट के पास वापस एक हमें बाउंस बैक देखने मिलता है। तो ओवरऑल बाय एंड डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रखी है, बिकॉज अभी भी जो निफ्टी का ओवरऑल चार्ट है वो एक सपोर्ट के जोन के पास है। सपोर्ट की जहां तक बात करें 17,450-17,400 एक अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए और निफ्टी फ्यूचर के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 17,750-17,800 का जोन है, वहां तक एक रेजिस्टेंस है, वहां तक निफ्टी आ सकता है। तो बाय एंड डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रखिए एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए एंड अग्रेसिव ट्रेडर काम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस।
ओके तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही निफ्टी में ट्रेड करें, स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखें, बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी हो सकती है। रवि आप कैसे अप्रोच करेंगे अभी बाजार को? हम देख रहे हैं कि एक दिन बाजार में जोरदार रैली दिखाई देती है, अगले दिन बाजार में जोरदार गिरावट होती है और बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो इस समय इंपैक्ट कर रहे हैं हमारे मार्केट्स को भी। ट्रेडर्स की बात तो यहाँ पर कही देवांग ने कि अगर आप अग्रेसिव हैं तो ही करें, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो का जो हाल हो रहा है अभी उसको मैं कैसे एड्रेस कर सकता हूँ? देखिए थोड़े बहुत ट्वीक करके आप अपने पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं। मार्केट अभी वी टाइप की मूवमेंट आपको दिखा रही है, एक टाइम पे मार्केट में ऊपरी स्तर देखने को मिलते हैं, दूसरे टाइम पे आपको निगेटिव स्तर देखने को मिलते हैं। क्लियर कट है यहाँ पर ओवरऑल इंडेक्स की वोलेटिलिटी काफी हाई है और अभी जो वोलेटिलिटी 20 की रेंज में चल रही है ये एक बार 21 और 22 की रेंज में तक जा सकती, तो ऐसे मूवमेंट अभी आने वाले समय में और देखने को मिल सकते हैं। तो बेटर है कि ऐसे टाइम पे डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ हमें मूव करना चाहिए। डिफेंसिव स्टॉक में आप देख ही रहे हैं एफएमसीजी काउंटर है, फार्मा काउंटर है और खास तौर से रियल एस्टेट के कुछ काउंटर है जिनमें कि आपको थोड़ा डिफेंसिव मूव देखने को मिल रहा है। तो अग्रेसिव से ज्यादा अच्छा है कि आप डिफेंसिव काउंटर की तरफ रहे, एफएमसीजी की तरफ ज्यादा बेट करें, होटल इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा बेट कर सकते हैं। जो सर्विसेज से रिलेटेड स्टॉक्स है सेक्टर है उनमें थोड़ी परफॉर्मेंस जो है वो अब देखने को निकल सकती, बाकी जो फ्रंट रनर है उनमें थोड़ा सा बैकफुट स्ट्रैटेजी लेनी पड़ेगी। ओके तो चलिए ये स्ट्रैटेजी है जो बाजार में आपको लेकर चलनी चाहिए फिलहाल। स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज एक तारीख है और आज ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए, हमने देखा मिले जुले कुछ आंकड़े रहे ये अगस्त में और कैसी रही बिक्री, स्पेसिफिक्स की बात भी कर लेते हैं। मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ रही है मेरे साथ, बताइए सृष्टि इस बार जो ऑटो कंपनियों की परफॉर्मेंस है सेल्स को लेकर किस तरह की रही है? इस बार देखें तो मिले जुले नतीजे हमें देखने को मिले हैं क्योंकि अगर एक सेगमेंट को अगर उठा के देखें तो वहाँ पे भी कुछ कंपनीज़ ने निराश किया है और कुछ कंपनीज़ ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। सबसे पहले अगर पैसेंजर व्हीकल नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे M&M बाजी मारती हुई नजर आई है, वहाँ पे कंपनी की 5% महीने दर महीने ग्रोथ हमें देखने को मिली है। SUV बिक्री में एक और नया रिकॉर्ड कंपनी ने छुआ है, पर इसी सेगमेंट में टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के नंबर्स हमारे उम्मीद से कम देखने को मिले हैं, जहाँ पे 1-6% की महीने दर महीने डिक्लाइन हमने देखी है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, यहाँ पे अशोक लेलैंड ने बाजी मारी है, कंपनी की जो बिक्री है वहाँ पे 4% की महीने दर महीने ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 14,000 यूनिट से भी ज़्यादा कंपनी ने इस बार बेची है और ये लगातार तीसरा महीना है जहाँ पे उनकी LCV बिक्री बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं पे टाटा मोटर्स और साथ ही आयशर मोटर्स VECV के नंबर्स जो हैं उम्मीद से कम आते हुए दिखे हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो की बात करें तो कुल बिक्री जो है उम्मीद से बेहतर रही है, यहाँ पे डोमेस्टिक बिक्री का काफ़ी अच्छा सहारा मिला है, पर एक्सपोर्ट्स में एक पेन पॉइंट बना हुआ हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे साल दर साल कंपनी की एक्सपोर्ट्स बिक्री जो है 28% गिरती हुई नजर आई है। आखिरी में अगर ट्रैक्टर बिक्री की बात करें तो रूरल डिमांड काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एस्कॉट्स और साथ ही M&M की ट्रैक्टर बिक्री उम्मीद से बेहतर आई है। एस्कॉट्स ने ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस शो की है और दोनों ही कंपनीज का मानना है कि आगे चल के बिक्री और भी बेहतर होगी। तो जैसे ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत हुई है अक्रॉस द इंडस्ट्री सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है कि आने वाले समय में जो बिक्री है वो कैचअप करती हुई नजर आएगी। ओके तो धीरे धीरे मांग और कैचअप होगी यहाँ पर। रवि आपने कैसे एनालाइज किया ये जो आंकड़े आए हैं बिक्री के? हालांकि सृष्टि ने बताया कंपनी के स्पेसिफिक हिसाब से, लेकिन आपने आपका एनालिसिस क्या कहता है और अब इन बिक्री आंकड़ों के बाद कैसे अप्रोच करना चाहिए ऑटो स्पेस को? देखिए मार्केट में भले कॉन्फिडेंस कम हो, जो हम स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट मैंने यही बोला कि जो कंज्यूमर से रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें मूवमेंट रहेगा। ऑटो भी इसी में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है क्योंकि हमारे यहाँ पे अब फेस्टिव सीजन है, आगे दिवाली है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी ऑटो सेल्स के नंबर्स आगे अग्रेसिव तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप आयशर मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, स्कॉट है, इनको आप अपने फोकस में जरूर रखिए। लेकिन इसके साथ में मैं 2-3 स्टॉक्स और चर्चा करूंगा, अशोक लेलैंड भी को मिस नहीं कर सकते, लेकिन साथ में ऑटो कंपनीज के जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज है उन पर फोकस करना चाहिए, जैसे ओमेक्स ऑटो है, शिवम ऑटो है, रिको ऑटो है, JBM ऑटो है, इनको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो करंट लेवल से भी अगर आप बाइंग स्ट्रेटजी रखते हैं और दिवाली तक रखते हैं तो ये आपको दिवाली के पटाखे बहुत अच्छे खरीद के दे सकते हैं।
पिछली बार भी आपसे जब हमारी बात हुई थी तो आपने ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरीज को भी पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी थी और उसी के साथ आप अभी भी चल रहे हैं। देवांग, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस समय ऑटो स्पेस को? क्या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर्स के लिए ऑटोज एक स्पेस है जहां पर फोकस करना चाहिए? उसमें अशोक लेलैंड ने हमने देखा है काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर, तो अशोक लेलैंड में बने रहने के खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? 157 का अपसाइड लेवल है, 167 168 तक के जोन देखने मिल सकते हैं अशोक लेलैंड में। अगर आप इन पर कर सकते हैं फोकस, यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी जो है अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने, लेकिन आज एक स्पेस और था जो फोकस में था सरकार के कदमों की वजह से, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो ऑयल रिलेटेड कंपनियां हैं वो। सरकार ने क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में विंडफॉल में जो है टैक्स में उसमें बढ़ोतरी कर दी है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स हैं इस खबर की आपके पास? देखिए, फोर्टनाइटली रिव्यू में सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है उसके हिसाब से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड पर जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसको 13,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 13,300 रुपये प्रति टन करने का फैसला किया गया है। जहाँ तक डीजल एक्सपोर्ट का सवाल है, इस पर जो एडिशनल ड्यूटीज़ हैं उसको 7 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ जो एडिशनल एक्साइज है डीजल के ऊपर इसको 1 रुपये से बढ़ाकर 1.5 रुपये कर दिया गया है। तो नेट इफेक्ट अगर आप देखें डीजल के ऊपर तो 13.5 रुपये प्रति लीटर की एडिशनल ड्यूटी लगी है अगर इसकी एक्सपोर्ट की जाती है। इसके पीछे की जो दलील दी जा रही है वो ये कि सरकार के लिए इस वक्त डीजल की कीमतें ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, ज़्यादा चिंता का विषय है इसकी पर्याप्त उपलब्धता, क्योंकि दुनिया भर में डीजल की डिमांड में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। लिहाजा सरकार ये चाहती है कि डीजल एक्सपोर्ट को हतोत्साहित किया जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए एहतियातन कदम उठाए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय का यह अनुमान है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान डीजल की डिमांड में और तेज़ी देखने को मिल सकती है, लिहाजा घरेलू बाजार में डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। जहां तक ATF एक्सपोर्ट पर एडिशनल ड्यूटीज़ का सवाल है, इसमें इसको 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 9 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। और इसके पीछे की जो दलील दी जा रही है ये कि कोविड के दौरान जो हवाई किराए पर कैप की स्थिति थी उसको अब हटा लिया गया है। साथ ही साथ फेस्टिव सीजन भी नज़दीक है, लिहाजा डोमेस्टिक एयरलाइंस को ATF की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में बनी रहे और साथ ही साथ हवाई किराए पर भी नियंत्रण लगाने में भी मदद मिलेगी अगर पर्याप्त ATF की स्थिति रहेगी, उसको ध्यान में रखते हुए ATF पर जो एडिशनल ड्यूटीज़ है उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। जहां तक पेट्रोल का सवाल है, इस पर एडिशनल ड्यूटीज़ में कोई बदलाव नहीं है, ये अभी भी नील कैटेगरी में है। ओके, तो क्रूड पर विंडफॉल टैक्स यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। रवि, ये जो विंडफॉल टैक्स अब सरकार ने लगा दिया है ये अप एंड डाउन होता रहेगा धीरे धीरे, अब ये एक जो ऑयल कंपनियां हैं उनके सामने एक चैलेंज और आ गया है, जैसे जैसे क्रूड का प्राइस मूव करेगा इंटरनेशनली वैसे यहां पर अब उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स जो है वो बढ़ता या घटता रहेगा। अब RIL, ONGC ये जो स्टॉक्स हैं बड़े, इन पर इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली। मैं अगर इन स्टॉक्स के साथ हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में ये है, मुझे कितना चिंतित होना चाहिए और कैसे करना, क्या अपने स्ट्रैटेजी में चेंज करना चाहिए अब सरकार के इस कदम के बाद? देखिए, मुझे लगता है स्वामी जी बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट हर महीने लगभग हर 1-2 महीने में जिस हिसाब से क्रूड ऑयल की वोलेटिलिटी होती है सरकार ऐसे डिसीजंस लेती है और स्टॉक कहीं ना कहीं से वो एक अंडर वैल्यूड कर लेते हैं। अगर ओवरऑल देखें तो इन स्टॉक्स में जो निवेश करते हैं लंबे पोर्टफोलियो के लिए करते हैं, डिविडेंड यील्ड पाने के लिए करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ परेशानी का सबक यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा ओवरऑल, बल्कि सेंटिमेंट जो है जो आगे एनर्जी को प्रोडक्ट को लेकर के है, चाहे वो गैस से रिलेटेड हो, पेट्रोलियम से रिलेटेड हो, जैसे आप गेल है, HPCL है, इनको अगर आप देखते हो तो मुझे लगता है कि इनमें थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आगे, क्योंकि डिमांड कम होने वाली नहीं है और डिमांड के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि टेम्परेरी बेसिस पे थोड़े बहुत करेक्शन अगर मिलते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हो, क्योंकि ONGC है या फिर IOC है, इनमें देखें तो काफी अच्छा एक मूवमेंट यहां पर बना है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर के लिए पैनिक की सिचुएशन नहीं है, हालांकि इस तरीके के डिप आपको खरीदारी का मौका जरूर दे सकते हैं। ओके, तो ऐसे कोई डेवलपमेंट होता है और गिरावट दिखाई देती है स्टॉक में तो उसे खरीदारी के मौके की तरह देखना चाहिए, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज ONGC का स्टॉक करीब 3% नीचे 134 पर पहुंच गया है। देवांग, इस समय ONGC पर आप क्या कॉल दे रहे हैं?
जैसे की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड हमने देखा है कि ग्रीन में चल रहा है। डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस हमें माइनर सा डिप देखने मिला है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि A131 ये एक सपोर्ट जोन है। इफ अगर ये लेवल को अगर ब्रेक करता है ओएनजीसी, तो फर्दर करेक्शन देखने मिल सकता है ओएनजीसी में। फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है ओएनजीसी में, ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या कॉल है इस समय देवांग आपका? वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 2600 के तो नीचे ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओवरऑल बात करें, शॉर्ट टर्म चार्ट पे अभी भी स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में डेफिनेटली करेक्शन हमें देखने मिला है, बट जब तक ये 2500 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक सेलिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ओके, 2500 को ब्रेक न करे तब तक सेलिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को। फिलहाल आज हमने देखा 2560 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बैंक्स में इस समय क्या करना चाहिए रवि? हमने देखा कि आज जब गिरावट दिखी भी बाजार में तो बैंकों में बहुत ज्यादा नहीं दिखी। बैंक इंडेक्स निफ्टी बैंक जो है वो करीब 0.5% ही नीचे था, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी में हमने 1 से 1.5% की गिरावट आते हुए देखी। कहीं ना कहीं बड़े बैंक्स प्राइवेट बैंक्स जो है वो बाजार की चाल से उल्टा चल रहे हैं। आपको लगता है इनको धीरे धीरे एक्युमुलेट करना चाहिए थोड़े लंबे नजरिए से के लिए? सौमित जी, मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ इन्वेस्टर के लिए और कुछ स्टॉक्स के नाम ले लेता हूँ। जैसे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, SBI, खासतौर से SBI पहली बार लिस्ट में आया है, जो कि इस तरीके के जो अभी मूवमेंट है उनमें एक बाय का मोमेंटम यहाँ पर दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन बैंकों पे आपको फोकस करना चाहिए। फिर से वापस बोलता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और SBI, ये ऐसे चार बैंक है जिनमें की पांच बैंक है जिनमें की मुझे लगता है कि मोमेंटम आपको अब वापस से एक रीगेन करता हुआ आ सकता है, या फिर मार्केट में अगर करेक्शन भी आता है तो ये डिप में ऐड करने लायक होंगे, क्योंकि इनमें फ्रेश लॉन्ग काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ है कि जो ओवरऑल चिंताएं हैं उसका जो उसको अगर देखते हैं और ग्रोथ बैंक की देखते हैं, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहां पर डेवलप हो रहे हैं। तो आप इनको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करके रखें, क्योंकि अगले आगे आने वाले 6 महीने 8 महीने के हिसाब से अगर मार्केट यहां से चलता है तो ये आपके टॉप सपोर्टिंग जो आपका पोर्टफोलियो उसमें ये आपके टॉप गेनर के तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और फिर अब SBI भी शामिल हो गया है लिस्ट में। ये वो बैंक्स हैं जिनको आपको साल से 6 महीने के लिए रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। नजरिया लंबा रखिए, बेहतरीन रिटर्न की उम्मीद यहां पर बनती है। एक स्टॉक जो आज काफी ज्यादा फोकस में था खबर की वजह से, वो है डिश टीवी का। 26 सितंबर को होने वाली AGM में डिश टीवी मैनेजमेंट में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। आज हमने देखा डिश टीवी में जोरदार तेजी देखने को मिली, 20% के अपर सर्किट पर जाकर यह बंद हुआ है। लेकिन पहले खबर समझ लेते हैं, मेरे साथ शरद दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शरद बताइए क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी हाँ, फोकस में रहने वाला है डिश टीवी स्टॉक जो है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने मिले हैं और याद रखिएगा कि उनके जो स्टॉक प्राइसेज है सबसे ज़्यादा उठे हैं पिछले 3 साल में। अब न्यूज़ ये है कि चेयरमैन जवाहर गोयल 26 सितंबर को जो AGM होगी वहाँ पे वो अपनी इस्तीफा देने वाले हैं, और August 30 को एक बोर्ड मीटिंग होती है जहाँ पे उन्होंने अनविलिंगनेस कहा कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन। और कंपनी की जो रेगुलेटरी फाइलिंग है उसमें ये बात पती चली है। इसके अलावा जो है फिलहाल कंपनी के वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और डिपार्टमेंट के जो आप कह सकते हैं डायरेक्टर भगवान दास नरंग ने भी जो है इस्तीफा दे दिया है। अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो SL ग्रुप लगभग 6% स्टेक होल्ड करती है, येस बैंक जो है 26%, और इन दोनों पार्टीज़ के बीच जो है आप कह सकते हैं बोर्ड सीट को लेकर जो है विवाद हो रहा था और लगभग 1000 करोड़ का राइट्स इशू का भी जो है ओवरऑल जो है विवाद था। अब जो है 3 सितंबर को नोटिस आई थी 5 डायरेक्टर को, और उसमें जो है जून EGM में जो है अब कहा गया था कि शेयर धारक जो है ना उन्होंने रिजेक्ट किया था, शेयर होल्डर्स रिजेक्ट किए थे गोयल जी का अपॉइंटमेंट, और गोयल जी के जो बात थी कि रीअपॉइंट हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको भी जो है खारिज कर दिया। इसके अलावा 2 अहम एग्जिट और हैं डायरेक्टर पद से, एक है अनिल कुमार दुआ और दूसरे हैं चक्रवर्ती वेंकटेश। डिश टीवी पर इस समय देवांग, अगर मौका मिले 20% के सर्किट पे बंद हुआ है हालांकि, लेकिन अगर मौका मिलता है तो क्या ट्रेडर्स के पास कोई अपॉर्चुनिटी है? आई थिंक अवॉइड करना चाहिए दिस काइंड ऑफ स्टॉक। न्यूज बेस हमने देखा जाए कि हमने एक मोमेंटम देखा है स्टॉक के अंदर, बट ओवरऑल जनरली अवॉइड करना चाहिए दिस काइंड ऑफ स्टॉक को ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से। डिश टीवी को अवॉइड करना चाहिए, खबरों की वजह से ही सिर्फ ये स्टॉक चल रहा है और कुछ नहीं। आप देख रहे हैं आज करीब 19% 20% ऊपर जाकर लॉक हुआ है, ₹14.34 के भाव पर। चलिए कोई बात नहीं, स्टॉक को तो अवॉइड करना चाहिए लेकिन कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, कल का ट्रेडिंग सेशन बाकी है। पूछते हैं हमारे मेहमानों से आज के VIP शेयर्स।
देवांग आपसे करते हैं शुरुआत, बताइए कौन से स्टॉक्स पर कल फोकस होगा आपका? फर्स्ट स्टॉक होगा मेरा यहाँ टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर हमने देखा ओवरऑल काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर, तो टाटा कंज्यूमर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 816 का, टारगेट है 864। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे पिडिलाइट। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं काफी एक अच्छा मोमेंटम है, हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। पिडिलाइट खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 2747 का, टारगेट है 2920। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज यहां पर कर सकते हैं आप खरीदारी, आज 3% ऊपर जाकर ये स्टॉक बंद हुआ है। और उसके अलावा टाटा कंज्यूमर यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है आज, यहां पर भी आप लॉन्ग पोजीशन लेके जा सकते हैं, 864 तक के टारगेट इसमें दिखाई देते हैं। रवि आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? दोनों मेरे एफएमसीजी काउंटर से हैं, एक काउंटर तो आपने बता ही दिया, टाटा कंज्यूमर मेरा भी है, लेकिन अच्छा मेरा टारगेट 980 रुपए का है आने वाले 3 से 6 महीने के लिए, और खास तौर से दिवाली की तैयारी के लिए मुझे लगता है कंज्यूमर और टाटा कंज्यूमर में एक अच्छी बाइंग बन सकती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा लंबा भी रखेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और दूसरा काउंटर है डोडला डेयरी, काफी पहले मैंने इसको रिकमेंड किया था, उस टाइम पे ये स्टॉक ने मोमेंटम अच्छा दिखाया, 100-125 रुपए का गेन मिला था, लेकिन अब वापस से एक मोमेंटम यहाँ पर फिर से बन रहा है और मुझे लगता है कि खास तौर से डेयरी के प्रोडक्ट की सप्लाई काफी अच्छी है। इनकी 1995 में कंपनी बनी थी, मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी अच्छा है, तो 650 तक के टारगेट अभी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहां से भी एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम बन सकता है। तो ये दोनों एफएमसीजी ऐसे काउंटर हैं जिन्हें आप कल के ट्रेडिंग सेशन में जितना भी पैनिक क्रिएट हो आपको डरने की जरूरत नहीं है, स्टॉक को बाय करिए, प्रॉफिट लीजिए और घर जाइए। ओके बहुत बढ़िया, आज ये स्टॉक करीब 6-7% ऊपर भी था डोडला डेयरी का, लेकिन यहां पर अभी मोमेंटम बरकरार है, 650 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और टाटा कंज्यूमर ऐसा स्टॉक जो दोनों ही मेहमानों को मेरे पसंद है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं तो भी आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म व्यू है तो 980 तक के टारगेट यहाँ पर रवि ने सुझाए हैं, 3 से 6 महीने होल्ड करिएगा तो टाटा कंज्यूमर्स यहाँ पर पसंद आता है दोनों को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि और देवांग समय निकालकर आज हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और अपने स्टॉक रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए कल की तैयारी को हम यहीं समेटेंगे, मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ईजी नाउ स्वदेश के साथ।